उसे अपनी जॉब तो बड़ी पसंद थी लेकिन बॉस बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उसका यही कहना था कि मेरी जॉब में सब कुछ बहुत अच्छा है, मेरे कलीग्स बहुत अच्छे हैं, सैलरी अच्छी है, घर के पास है, सब कुछ मेरे फेवर में है सिवाय मेरे बॉस के, मैं क्या करूं। मैंने उससे कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस पूछे कि क्या ऐसा होता है, क्या वैसा होता है, जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, जो चीज मुझे लगती है कि प्रॉब्लम लाइफ में क्रिएट कर रही है। फिर फाइनली मैंने एक और क्वेश्चन उससे पूछा, मैंने पूछा कि उस बॉस को लेकर तुम्हारे अंदर क्या क्या चलता रहता है। वो कहती है, सच बताऊं मेरे अंदर से वो निकलता ही नहीं है, मेरे अंदर एक जो कहते हैं ना मॉन्स्टर अवतार, तो मेरे बॉस ने मेरे अंदर एक मॉन्स्टर अवतार लेकर रखा हुआ है। मैं अपने दिमाग में उससे लड़ती ही रहती हूँ पूरे टाइम, और मैं घर से लेकर ऑफिस तक का एक घंटे का ड्राइव होता है उसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस निकल कर आ जाता है कि अभी ऑफिस जाऊंगी, वो ऐसा बोलेगा, ऐसा करेगा, मैं क्या जवाब दूंगी, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ, मैं उसे मेरा काम दिखता ही नहीं है, बाकी सारे लोगों को क्रेडिट दे देता है, मेरे काम में गलतियां निकालता है, एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। आज एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीज आपको बताने वाली हूँ जो आपकी सक्सेस से डायरेक्टली रिलेटेड है, और जो पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट है ये नेविल गुडेन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। वैसे इस टॉपिक पे और कई लोग बात कर चुके हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं डॉक्टर अर्चना लाइफ कोच, एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, शैडो वर्क हीलर हूँ और इनर चाइल्ड हीलिंग करती हूँ, प्लस एक एनएलपी एक्सपर्ट हूँ। इतनी सारी मोडालिटीज के होते हुए भी मैं आज आपको एक क्विक टिप देने वाली हूँ कि जो चीज आप खुद घर बैठे अपने कंफर्ट जोन में ठीक कर लो और आपकी लाइफ के मल्टीपल एरियाज ठीक हो जाएं, क्योंकि इस चैनल पर डॉक्टर अर्चना लाइफ कोच में हम बात करते हैं कैसे अपना माइंडसेट चेंज करके हम अपनी लाइफ में ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन, ईज, सक्सेस, पैसा सब कुछ पा सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। अभी से मेरे साथ होता था जब मैं बचपन में ट्रैवलिंग करती थी, आई हेटेड ट्रैवलिंग सो मच, क्यों जा रहे हैं, नहीं जाऊं तो मुझे घर छोड़ के चले जाओ, कब पहुंचेंगे, 2 घंटे का सफर है, ये ट्रेन क्यों नहीं पहुंच पा रही है, ये आउटर पे क्यों रुक गई। रियली हैट्स ऑफ टू ऑल दोस पीपल हु टॉलरेटेड मी विद ऑल द पेशेंस। अब चलो वो तो बचपन का मामला था, नौकरी के बिना क्या चल सकता है। आप में से वो सारे लोग जिनको जॉब चाहिए, पैसा भी कमाना है, लेकिन जॉब के प्रति आपके मन में या वो जो प्रोसेस होती है उसके प्रति आपके मन में एक काइंड ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड आ जाता है कि यार इंटरव्यू में जाएंगे, फियर ऑफ रिजेक्शन, फिर क्या होगा, सिलेक्ट नहीं हुए तो घर में क्या बताएंगे, या लोगों से डील करना, हमारे यहाँ तो बड़ी पॉलिटिक्स होती है, प्राइवेट जॉब में बड़ी पॉलिटिक्स होती है। अगर आपके मन में इस तरह की चीजें हैं तो आपके साथ वही होगा जो आपके मन में है। तो जब मैंने इस बंदी से बात करी, मैंने इससे पूछा कि अगर बॉस के प्रति इतना नेगेटिव एटीट्यूड है तो दो ही तरीके हैं, या तो जॉब छोड़ दो या एटीट्यूड चेंज कर लो, जो तुम्हारे लिए आसान हो वो कर लो। उसने कहा मैं पहले एटीट्यूड चेंज करके देखती हूँ। हमने थोड़ा सा इनर चाइल्ड हील करा, थोड़ा सा शैडो वर्क में गए, थोड़े से एक ही सेशन में उनको समझ में आ गया था प्रॉब्लम कहाँ है। उन्होंने अपने अंदर की प्रोग्रामिंग चेंज करी और 22 दिन भी नहीं हुए उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया। अब आपकी बारी है, तो इस चीज को कहते क्या है, इस चीज को बोलते हैं अपना एटीट्यूड चेंज करना। अभी की अभी अपन एक रियल टाइम टेस्ट करते हैं, आपके लाइफ में जिस भी एरिया में प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लमेटिक एरिया हो, आप एक बार सोच के देखना आपका एटीट्यूड उस चीज के प्रति कैसा है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे पैसा कमाना हो, चाहे जो भी हो। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप गलत हो या आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे नहीं रहे, लेकिन जैसे ही आप इस एक चीज को ठीक करोगे आपकी लाइफ के मल्टीपल एरियाज ठीक हो जाएंगे। सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, दुनिया भर के लॉज आपके फेवर में आ जाएंगे। तो अपना एटीट्यूड चेंज करो। अब मान चलो मेरा एटीट्यूड होता बचपन में कि अरे ट्रैवलिंग करनी है, कितना मजा आएगा, ट्रेन में बैठ के जाऊंगी, अगर ये सारा मेरा एटीट्यूड होता बचपन में तो वो सफर मेरा सफर कभी नहीं बनता, मेरे अंदर सफरिंग नहीं आती उस चीज के लिए। इन द सेम वे ये जो शख्स मेरे पास आई थी, अगर इनका इनके बॉस के प्रति निगेटिव माइंडसेट नहीं होता तो ये अपनी जॉब में स्ट्रगल नहीं कर रही होती। आपके मन में आपकी जिस भी स्टक एरिया के प्रति निगेटिव एटीट्यूड नहीं होगा वो चीज अपने आप ठीक हो जाएगी। उसको ठीक करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, आप खुद उसको चेक कर लो, देख लो क्यों प्रॉब्लम है, क्या सच में लोग ऐसा कर रहे हैं। नंबर 2, मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल और व्हाट्सएप दूर हूँ, मेरा ईमेल और व्हाट्सएप दोनों आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुद्दे की बात यह है, जैसे ही आप अपना एटीट्यूड चेंज करोगे आपको ऐसा लगेगा क्या पहले भी यही लाइफ थी जो इतनी प्रॉब्लम वाली थी, क्या ये मैं ही जी रहा हूं,
वो किसी और जन्म की बात तो नहीं है, ऐसी ऐसी फीलिंग्स अंदर आने लग जाती है। और हाँ, अगर मेरे फ्री अफर्मेशंस चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, डाउनलोड जरूर कर लेना। बार बार यार क्यों दिलाती हूँ, ऑफ कोर्स क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो आप भी अपना अच्छे से ध्यान रखना और अपनों का भी। थैंक यू, नमस्ते।